So, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is about group 4a elements, जिसमें हमने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था. आज इंशाल्लाह इसको डिटेल में लेके चलेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 4a जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन जो सबसे पहला मेंबर है और बड़ा फेमस है और जिसको आप हाइड्रोकार्बन की बैकबोन में एज अ कार्बन बड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं. देन सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपके सामने हैं और जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4a में पाए जाते हैं. इन एलिमेंट्स की सबसे बड़ी जो आपके पास प्रॉपर्टी है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हाफ फिल्ड है, यानी कि उनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप समझ लें कि एक पर आदमी है जिसका सिर्फ एक बाजू है, ठीक है, वो सिर्फ एक तरफ से किसी चीज को पकड़ सकता है. अब जैसे हम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो हैं, हम दो चीजों से, जिसके तीन होंगे वो तीन चीजों को पकड़ सकता है. अब ये कार्बन, सिलिकॉन, इनके आप समझ लें चार चार बाजू हैं, ठीक है, तो ये चार चार चीजों को चार चार बॉन्ड बना सकते हैं या चार चार एलिमेंट्स के साथ मिलकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना सकते हैं. मोस्टली ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है. यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज और टेम्परेचर वगैरह इनके मेंशन है, ठीक है. तो ये इनकी कुछ जर्नल है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहा है इस टेबल में. शुरू करते हैं जी. नेक्स्ट, देयर इज अ मार्क चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार्बन टू लेड. अगर आप कार्बन से मूव होते हुए लेड तक आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन और चेंजिंग्स नजर आएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में. दिस ग्रेजुएशन इज ऑफ सच नेचर हाउएवर दैट देयर आर वेरी फ्यू सिमिलैरिटीज बिटवीन द एक्सट्रीम मेंबर्स, जबकि बहुत ही कम सिमिलैरिटीज होंगी. दस कार्बन एंड लेड डिफर वेरी कंसिडरेबली फॉर मोर फॉर एग्जाम्पल. तो अब यहाँ से यहाँ तक आते हुए आपको इनमें सिमिलैरिटीज कम मिलेंगी, जबकि डिफरेंसेस जो हैं वो ज्यादा हैं. हमने एक और चीज भी डिस्कस की हुई है, फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट्स में भी, कि जो फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप का वो अपने ही ग्रुप के साथ वेरिएशन शो करता है. तो अब कार्बन फर्स्ट मेंबर है और लेड जो है वो लास्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें चेंजिंग्स आएंगी. देन डू लिथियम एंड सीजियम इन ग्रुप फर्स्ट ए. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4a ग्रुप एलिमेंट अलोंग विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन इन टेबल. तो ये टेबल में बताया गया. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. अच्छा जी, कार्बन से शुरू करते हैं जी. थैंक यू, वेलकम नबील असगर, वेलकम माय डियर, थैंक्स. कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन ग्रुप 4a. सबसे पहली चीज जो आपको बता रहा है, ये दो चीजें जो हैं आपके ग्रुप 4a में क्या है माय डियर कैडेट्स, नॉन मेटल्स है. कार्बन हैज अ पिक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसके जितने ज्यादा हैंड्स होंगे वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा बॉन्डिंग करेगा, उतनी ज्यादा चीजों को ग्रिप कर सकता है, होल्ड कर सकता है. सेम लाइक हियर, कार्बन अब चार हैं इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है. सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम. अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, एक छोड़ के दूसरा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, इसका क्या मतलब होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन. ये देखिए ये है अल्टरनेशन, एक के बाद डबल फिर एक के बाद डबल. इसी तरह से ये क्या करेगा, अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, फिर जाके आपका सिलिकॉन क्या करेगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है. Hope you understand this point. Point number one है, carbon and silicon both form acidic oxide. Underline कीजिएगा. Whereas the oxides of germanium, यानी कि जो इसी के group के हैं, tin and lead are amphoteric in nature. जबकि जो बाकी के होंगे silicon से नीचे, इसी के group members, वो कौन से oxides बना रहे हैं, amphoteric बना रहे हैं.
मिक्स यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों। नंबर टू, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन सॉरी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ इन चीजों को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, देयर ऑक्साइड्स एंड एसिडिक एंड बोथ फॉर्म हाइड्राइड एंड क्लोराइड, यानी कि ये हाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और क्लोराइड्स के साथ भी रिएक्शन होगा। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शुरू में मैंने आपको बताया कि हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करें फॉर एग्जांपल कार्बन की, तो ये इसका आउटर मोस्ट है और ये इसका फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो आउटर है उसमें फोर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब आप फोर इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इट नीड टू कंप्लीट मोर फोर इलेक्ट्रॉन टू इट्स ऑक्टेट, इसको चार मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। टोटल सिक्स है, आउटर मोस्ट शेल में फोर है, अब फोर वैलेंसी होगी, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म टू पेयर इन द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ऑल द फोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर यूज, यानी कि चारों के चारों जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ये यूज होंगे किस काम के लिए, एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इन टिन एंड लेड। जबकि आप टिन और लेड की बात करते हैं, इधर आर फोर स्टैटिक एंड प्यूम्बिक कंपाउंड्स और ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप प्लम्बस बता रहा है और स्टेनस बता रहा है, कंपाउंड इज यूज फॉर बॉन्डिंग। अगर तो ये चारों के चारों करेगा तो फिर आपके कंपाउंड ये वाले होंगे, ठीक है, और अगर उनमें से वो एक एक पेयर को करेगा तो फिर आपके कंपाउंड ये हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से आप कॉपर और क्यूपरस की बात करते हैं और फेरस और फेरक की बात करते हैं ड्यू टू चेंज इन देयर वैलेंसीज। द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट डोंट रेडली टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर। देखें जी, जिस तरह से हमने बात की थी इनर्ट गैसेस की, कि जो हमारे पास नोबेल गैसेस हैं ग्रुप 8 में जो कि रिएक्शन नहीं करती या बड़ी स्टेबल है या बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके रिएक्शन करती है, इसी तरह से जो पेयर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इन केमिकल कॉम्बिनेशन, उन्हें हम क्या नाम देंगे, इनर्ट पेयर का नाम देंगे। एक्चुअली दीज आर द इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इन ऑर्डर other groups the inert pair effect is most marked in the element of highest atomic mass namely lead, jiski example aapke paas kya hai lead ki hai। yahan tak koi question hai you can raise your hand otherwise type no। well done, thank you। अच्छा जी, अब ये देखिए जैसे हमने पहले वो बात की थी सिलिकॉन ऑक्साइड की और कार्बन की लॉन्ग चेन की, अब उसकी एग्जांपल बता रहा है यहाँ पे नीचे डायग्राम में और लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। द इंक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम कार्बन थ्रू सिलिकॉन, क्या होगा, टिन एंड लेड इज प्रोनाउंस्ड दिस टर्म एज शोन ऑल्सो बाय टिन by the increase in the metallic character, यानी कि देखें positive character बढ़ने से क्या होता है, हमें पता है कि group first A, second A, ये क्या है हमारे पास strong electro positive elements हैं, यानी कि इनके ऊपर positive charge आ जाता है जिसकी वजह से ये क्या है metals हैं। इसी तरह जब आप carbon से move करते हैं silicon की तरफ और silicon से tin और lead पे जब आते हैं तो उनमें क्या होता है कि positive character बढ़ता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, दैट मींस देयर मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यही वजह है कि कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, जैसे ही हम इनसे नीचे आते हैं तो इनका मेटालिक और सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है जिसकी वजह से इनका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर गया ऑफ द एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटोमिक मैसेज। एटोमिक मैस भी इनका वहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। Following are the
कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4a एलिमेंट्स। देखें जी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो अ वैलेंसी ऑफ 4। पहले भी बताया हुआ है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल है, तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो आपके 4 वैलेंसी को शो करेंगे। ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड, सबके सब कौन से कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्राइड्स का दे रहे हैं। आर फॉर्म टेट्राक्लोराइड्स। टेट्रा का मतलब क्या होता है माय डियर कैडेट्स? टेट्रा मतलब 4। तो ये देखें, ये 4 जो है वो क्लोरीन के एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और इनको हम फिर क्या कह रहे हैं, टेट्राक्लोराइड्स का नाम देते हैं। अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये लेट्स सपोज आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, किसी भी ग्रुप 4 मेंबर का, फॉर एग्जांपल कार्बन ले लेते हैं, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, अब हमें इसको देखना है, तो 4 जो क्लोरीन है वो इसके साथ मिलके बॉन्ड बना देंगी। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन, ये एक बॉन्ड, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह से आपके पास क्या बन गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दें तो ये CH4 मीथेन की एग्जांपल आएगी। दे आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स। अब ये ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सॉरी, डाई का मतलब क्या होता है 2, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। अच्छा, अब ये डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, ये देखिएगा, जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। सो हाउ इट्स फॉर्म, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ, सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दे आल्सो फॉर्म डाइऑक्साइड्स। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन, जी बेटा, टिल हियर एनी क्वेश्चन प्लीज। अली रहमान, सिप्तान, नबील, जैन, मौजम, माय डियर, ओके जी, जी नेक्स्ट देखते हैं जी, अक्रेंस ऑफ कार्बन। अब पाई कहाँ पे जाती है, ठीक है, तो जो सबसे अहम चीज है आपके लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द मिनरल्स ऑफ कार्बन एंड केमिकल फार्मूलाज। जैसे लाइमस्टोन की एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 है, डोलोमाइट है, MgCO3, CaCO3 एंड द मैग्नीसाइट है, MgCO3। कार्बन अकर नेचुरली इन 2 स्टेट्स। अब वो जो 2 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 1 इज क्रिस्टलाइन, ठीक है, जो कि बड़ी फेमस है, आपको पता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है, एनीबडी नोस, प्लीज रेज हिज हैंड, तो बता सकते हैं ये ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है, मैंने बताया था आपको। जी बेटा, इफ एनीबडी वांट टू राइट ही कैन टाइप इन द चैट, नो प्रॉब्लम। वेयर इज ग्रेफाइट प्रेजेंट, नो आइडिया बेटा, मैंने बताया था तकरीबन जब से आपने लिखना शुरू किया ना, आपने ग्रेफाइट से खेलना शुरू कर दिया जी, इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको। डायमंड तो पता ही है ना आपको, ग्रेफाइट के बारे में बताएं। बेटा ये जो पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप कच्ची पेंसिल कहते हैं, जिसे आप शॉर्प करते हैं, उसमें ग्रेफाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और आप कह लें कि वो मोस्टली होता ही वो ग्रेफाइट ही है, ठीक है। क्रिस्टल लाइन, एक तो वो ग्रेफाइट की एग्जाम्पल है, दूसरी आपके पास क्या है, डायमंड है। फॉर्म एंड द अदर इन अमॉर्फस, अमॉर्फस सॉलिड्स की एक एग्जाम्पल है, जिसमें कोल है, चारकोल है, और फॉर्म द अकरेंस ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट अब हम आते हैं सिलिकॉन की अक्रेंस पे, ये कहाँ कहाँ होता है। सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट, अबाउट 25% ऑफ मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अगर आप अर्थ क्रस्ट का मास देखते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 25% जो है उसमें ये मौजूद है, ड्यू टू
दिस एलिमेंट सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। अब ये देखें कि इसकी अबंडेंस इतनी ज्यादा है और इसी वजह से ये कार्बन की तरह फ्री स्टेट में नहीं होगा। लेकिन कार्बन हमारे पास दो हालतों में है, या तो आप ग्रेफाइट ले लें या डायमंड फ्री है। इसी तरह चारकोल और कोल की एग्जाम्पल है, ये जो कोयला वगैरह होता है ये भी कार्बन की ही किस्म है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे सिलिकॉन के ऊपर। अब इसके आप देखिए मिनरल जो है वो आपके सामने है, ठीक है, एस्बेस्टॉस है, जिरकोन है, टेल्क है, सोपस्टोन है, अगर ये इनके फार्मूले हैं ये आपने जरूर याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं, ठीक है, एक एक दो दो नंबर का, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप तकरीबन 5-6 बार इनको लिखेंगे ये आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। सो देयर इज नो एनी यू कैन से दैट डिफिकल्ट थिंग टू लर्न और मेमोराइज दीज फार्मूला, तो ये आपको आगे बड़ा फायदा देंगे। सिलिकॉन इज फाउंड इन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक ईदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स कंटेन अ हाई पोर्शन ऑफ सिलिकॉन। अच्छा, इनमें भी सिलिकॉन पाया जाता है। एज ऑक्साइड इट इज फाउंड एज क्वार्ट्स। अच्छा, ये क्वार्ट्स बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर जो वॉच घड़ियाँ होती हैं जो आप पहनते हैं और उनमें आप देखते हैं जो उनका डायल होता है, जो रिस्ट वॉच होती है उसका जो डायल होता है उसके ऊपर आपने पढ़ा होगा क्वार्ट्स लिखा होता है मोस्टली, अगर आपने कभी उसको गौर से देखा हो, जहाँ पे वो नीडल्स उसकी सुई घूमती है उसके नीचे क्वार्ट्स लिखा होता है, ठीक है। अब वो क्या है, लेट्स सी, रॉक क्रिस्टल्स, थलाइस्ड क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स एंड मिल्की क्वार्ट्स, सैंड इज लार्जली सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सिलिका। ओपल इज अ हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्स, तो ये क्वार्ट्स की फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे है ये इनके बारे में बता रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पॉटरी के लिए क्या है, लाइट्स क्या चीजें हैं, इनको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। सो टिल हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। जी बेटा जल्दी से, नो no, अच्छा जी, थैंक यू जी, सिफ्तान साहब, अली रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। लें जी आगे चलते हैं जी, पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का एक जो खास किस्म का बिहेवियर है उसको डिस्कस करेंगे, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी ये चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन डिफर फ्रॉम अदर रिमेनिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 4A इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। वो क्या क्या है, सबसे पहली चीज नंबर वन, कार्बन एंड सिलिकॉन्स आर नॉन मेटल, हम पढ़ रहे हैं दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वाइल द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मेटलॉइड्स और मेटल्स। मेटलॉइड्स यानी कि ऑलमोस्ट मिक्सचर मेटल और नॉन मेटल्स का, या वो मेटल्स होंगी। ये नंबर टू पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज, ठीक है, क्या करेगा, या तो वो कैटिनेशन का अमल करेगा जिससे हम क्या कहते हैं सेल्फ लिंकेज, इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन कार्बन के ही साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अपने साथ ये लिंकेज इस तरह से, लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेज, अंडरस्टैंड। कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम, दिस टाइप ऑफ लिंकेज ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद ईच अदर इज कॉल्ड कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज, ठीक है जी। कैटिनेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। हरी अब थैंक यू। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि कार्बन से आप आते हैं सिलिकॉन और जैसे नीचे आते हैं टिन लेड और पीवी तक आते हैं, तो ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ऊपर से नीचे आते हुए डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन एसोसिएटेड विद
कैटिनेशन। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी पाई जाती है कैटिनेशन की वो किसके पास है? कार्बन के पास है। फ्रॉम द बेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही वजह है कि जो क्या बनाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज्यादा कंपाउंड या वैरायटी ऑफ कंपाउंड क्यों है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन हर एक के साथ क्या बना लेती है, बॉन्ड बनाती है, लॉन्ग चेन बनाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन का नाम देते हैं। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टू सी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। देंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब हम ऑक्साइड देखेंगे कार्बन के कितनी किस्म के हैं। थ्री ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर नाउन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन वन, इसमें ये देखें ऑक्सीजन का एक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के दो हैं। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के थ्री होगी। आउट ऑफ दीज, यानी कि ये उससे बर्ड है, आउट ऑफ दीज द लीस्ट वन इज ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, ये दोनों तो बड़े अहम है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है वेरी फेमस गैस, जबकि ये जो थर्ड वन है कार्बन सब ऑक्साइड, इसको इतना ज्यादा यानी कि कह लें कि खातर में नहीं लाया जाता या वेरी लिटल इंपॉर्टेंस है कुछ लेबॉरटरी के लिहाज से, कुछ खास किस्म के रिएक्शन में, अदरवाइज वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लें जी ये आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मतलब दो, यानी कि इसमें आपके जो मॉलिक्यूल है वो कितने आ रहे हैं, दो है, एक कार्बन है वन एंड सेकंड ऑक्सीजन, सो दिस इज ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। अब ये बड़ी अहम बात होगी आपके लिए कि आपको पता है कि कार्बन तो फोर तक जा सकती है लेकिन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगी, दैट इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू टू नो अबाउट दैट। सो पहले जो दो कंपाउंड के, दो एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी ये तो आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ, दैट इज अ डबल बॉन्ड। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास एक क्या है, लोन पेयर भी है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा इस एरो के साथ। सो इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड हो गए, दो आपके हुए कोवेलेंट बॉन्ड जिसे आप डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, और थर्ड वन दैट इज नेम एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, टू बॉन्ड, इट इज वेरी स्लाइटली पोलर, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ये देखिए ये आपको दिखा रहा है, ये क्रॉस के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन और डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन के बॉन्ड। दीज टू लाइन्स इंडिकेट्स हेयर कोवेलेंट बॉन्ड व्हाइल दिस एरो रिप्रेजेंट हेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। Might appear from the above structure that the molecule should have a large dipole movement. अब देखें हालांकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप सिक्स में है जबकि कार्बन फोर में है, होना तो चाहिए था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती और ये जो स्लाइट नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन की तरफ होना चाहिए था जबकि स्लाइट पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ होना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये जो पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन डोनेट करती है किसको, कार्बन को, जिसकी वजह से ये देखें कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट इनफैक्ट मॉलिक्यूल इज अ स्मॉल डाइपोल मूवमेंट। सो टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। Everyone, please quickly. Okay, ji. Now this is all about today's lesson. Inshallah, tomorrow we will start again from here. Compounds of carbon. Now I'm going.